नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। प्यारे दोस्तों, हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार सिलसिले जहांगीरिया अबुल उलाया साबरिया चिश्तिया कादरिया के बुलंद पाया बली अल्लाह हैं, जिनकी शोहरत कमालात और करामातों के चर्चे पूरी दुनिया में चार जानिब हैं। आपका आस्ताना आलिया मुर्शिद नगर भैंसुड़ी शरीफ तहसील मिलक जिला रामपुर उत्तर प्रदेश में है। आपकी करामत का एक बहुत ही प्यारा वाकया मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली जहाँ भी जाते हैं उस जगह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से जन्नत की क्यारी बना देते हैं। हुजूर ख्वाजा हसन सरकार का ये मामूल था कि आप जहाँ भी जाया करते थे वहाँ हल्का ज़िक्र और फातिहा खानी किया करते थे। हर हल्का ज़िक्र के बाद आपके मुरीदीन शीरनी लेकर आया करते थे, उसके बाद फातिहा खानी होती थी। एक मरतबा कस्बा फरीदपुर में हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार ने हल्का ज़िक्र किया, वहीं पर एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने मजाक में एक पैसा की शीरनी लाकर फातिहा में रख दी और खड़े खड़े हंसता रहा और सूफिया इकराम का मजाक बनाता रहा। हुजूर ख्वाजा हसन सरकार सुल्तानुल औलिया ने हल्का जिक्र खत्म होने के बाद ज्यों ही उस कांस्टेबल की तरफ नजर भर के देखा तो उसका हाल बेहाल हो गया। वो वहीं खड़े खड़े पछाड़े खाने लगा और अपने कपड़े फाड़कर घंटों बेहोश पड़ा रहा। यकीनन ये जलाले मौला अली और जलाले साबरे पाक की झलक थी कि वो आपकी नजरे जलाल की ताब ना ला सका और बदहाल होकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो इसी दीवान के आलम में कई रोज सड़कों और गली कूचों में पागलों की तरह फिरता रहा। कस्बा फरीदपुर में इस बात की शोहरत हो गई कि इसने मियां साहब की महफिल में बेअदबी की तो इसकी ये हालत हो गई। इस बात को कई रोज हो गए मगर किसी को जरूरत ना हुई कि हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार से उसकी सिफारिश करे। ख्वाजा हसन सरकार के एक बड़े अकीदतमंद जियाउद्दीन साहब ने बाअदब अर्ज किया कि हुजूर अब इसकी खता मुआफ करके इसे ठीक कर दीजिए। हुजूर ख्वाजा हसन पिया नहायत ही रहीम व करीम भी थे, आपको उसके इस हाल पर रहम आ गया। आपने फरमाया सजा पूरी हुई, जाओ उसे हमारे पास नहला कर लाओ। जब वो कॉन्स्टेबल लाया गया तो आपने अपना दस्ते शफकत उस पर रखा, उसका हाल फौरन ही दुरुस्त हो गया। आपने उसे मुरीद किया, उसकी खताएं माफ करके कुछ ही दिनों में उसे अपना हमशबी सूफी व सफ़ा सच्चा पक्का मोमिन बना दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हजरात को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सूफिया इकराम औलिया इकराम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।